कैंप क्षेत्र में फैली डायरिया और दो लोगों की हुई मौत के लिए भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष ब्रिजेश बिसपुरिया ने निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली को दोषी ठहराया है। मोतियाबिंद ऑपरेशन की वजह से नेत्र विशेषज्ञ ने बिसपुरिया को घर में आराम करने की सलाह दी है। ब्रिजेश बिसपुरिया ने मृतक परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदूषित पेयजल के सेवन और गंदगी की वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। व्यवस्था में सुधार करने निगम प्रशासन और निगम सरकार को तत्काल पहल किए जाने की जरूरत है। उन्होंने अस्पतालों में भर्ती मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। सबसे पहले तो मैं उन दोनों परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, उनके घर के सदस्य गए हैं। और दूसरी बात यह है कि ये सर्वविदित है कि नगर निगम भिलाई के द्वारा अगर समय रहते सारी व्यवस्था की जाती तो ये दिक्कत नहीं आती और ये घटना नहीं घटती। आज नगर निगम के हर क्षेत्र में पानी की बहुत दिक्कत है, क्योंकि सेवेज लाइन और पानी की लाइन मिक्स हो जा रही है, उसकी वजह से लोगों में गंदा पानी पहुंच रहा है और पब्लिक यूज के जो नल हैं वो इतनी गहराइयों में हैं कि लोग उससे पानी भरते हैं, उसमें गंदगी चली जाती है। इससे चारों तरफ जो गंदगी फैली हुई है, कूड़ा कचरे का ढेर लगा हुआ है, गंदा पानी पहुँच रहा है, और समय रहते नगर निगम ने इसकी चिंता नहीं की। अगर चिंता की होती तो आज ये दिक्कत नहीं आती। आज जो आवश्यक दवाइयाँ डाली जानी चाहिए क्षेत्र में गंदगी को दूर करने के लिए, उसका भी कोई उपाय नहीं है। इनके जितने भी सैनिटरी डिपार्टमेंट के लोग हैं समय रहते कोई काम नहीं करते हैं, और कमिश्नर की जानकारी के बाद, महापौर की जानकारी के बाद ये जो लापरवाही बरती गई है ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। आज 123 लोग इससे पीड़ित हुए हैं और लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। अभी भी अस्पतालों में 70 से 75 से ज़्यादा लोग भर्ती हैं और लोग और डेली और लोग आ रहे हैं। कुछ 20-21 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, जो छोटी बीमारियों से ग्रसित थे उनको डिस्चार्ज किया गया है। लेकिन इस डायरिया आज ये हैजा भी हो सकता है, डेंगू की ये स्थिति है, क्योंकि आज हर जगह मच्छर भरा हुआ है, क्योंकि गंदगी इतनी भरी हुई है रोडों में नालियों में गड्ढे भरे हुए हैं, और गड्ढों में जो पानी भर जाता है उसकी वजह से भी डेंगू फैलता है। लेकिन उसके लिए भी नगर निगम के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जा रही, जबकि एक बार डेंगू ने एक विकराल रूप लिया है और उसमें भिलाई के बहुत लोगों की जाने गई हैं। इसके बावजूद भी भिलाई नगर निगम कहीं से सचेत नहीं है और लापरवाही पर लापरवाही करता जा रहा है। मेरा इस मामले में यही कहना है कि नगर निगम सुधर जाए और अपनी ड्यूटी करे, ईमानदारी से लोगों की जान बचाए, जन स्वास्थ्य की ओर ध्यान दे। आज जनता ने वहाँ जो जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं उनको ये जवाबदारी दी है कि वो जनता के हित में काम करें, लेकिन वो जनता के हित में कहीं कोई काम नहीं कर रहे हैं और लापरवाही बरत रहे हैं। आज लोगों की बेगुनाह लोगों की जान जा रही है, उसके लिए पूरा नगर निगम प्रशासन वो जिम्मेदार है।